हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में अदरक से होने वाले बेनिफिट्स शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही लगभग सभी घरों में अदरक का जो सेवन है वो बढ़ जाता है। अदरक वाली चाय लोग पीना शुरू कर देते हैं। अदरक तासीर में गर्म होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग अदरक वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में गर्माई रहे। लेकिन इसके अलावा भी अदरक बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को बेनिफिट्स देता है। वही सारे बेनिफिट्स आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। अदरक का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है सर्दी खांसी में। जब जुखाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें अदरक बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। इसके लिए क्या करना है, एक चम्मच अदरक का रस निकाल लें और उसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएं और उसे दिन में 2 से 3 बार लें तो इसका बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। और आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि 1 कप पानी में कुछ स्लाइस अदरक की काटकर डालें और उसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से पका लें और फिर उसे सिप कर करके पिएं तो इसका असर बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी में देखने को मिलता है। इसके बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम दूर होती है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है पीरियड्स के टाइम होने वाले पेन में। जब पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसमें भी अदरक बहुत ज़्यादा रिलीफ देने का काम करता है। इसमें भी ठीक इसी तरह 1 कप पानी लेना है और उसमें कुछ स्लाइस अदरक की काट कर डालें और उसे अच्छी तरह से पका लें और फिर उसे छानकर उसमें शहद मिलाकर पिएं तो इससे पीरियड्स के टाइम होने वाले दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है दांत दर्द के लिए। जब दांत दर्द की प्रॉब्लम होती है तो उसमें या तो आप अदरक का एक टुकड़ा काट के उस दांत के नीचे रख लें जहाँ पर दर्द हो रहा है, या अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर उस दांत पर कॉटन की सहायता से रखें या उसे मसाज करें तो इससे दांत दर्द में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि ये मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। इसके लिए डेली सुबह 1 कप पानी में कुछ अदरक की स्लाइस डालकर गर्म करें और फिर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे डेली पीने से जो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो फैट है वो कम होने लगता है। तो इस तरीके से ये वेट लॉस में भी काफ़ी असरदार परिणाम दिखाता है। अदरक अर्थराइटिस में होने वाले पेन में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। जो जोड़ों में दर्द, गठिया का दर्द होता है उसके लिए अदरक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए 1 से 1.5 चम्मच अदरक का रस निकाल लें और उसमें 1/2 चम्मच शहद मिलाएं और फिर इसे दिन में 2 से 3 बार लें तो उससे अर्थराइटिस का पेन दूर होता है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके लिए 1 कप पानी में कुछ टुकड़े अदरक के डालें और उसे अच्छी तरह से पका लें और फिर उसे पिएं और इस बार इसमें शहद ना ऐड करें तो ये बहुत ही जल्दी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारे लीवर के लिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो लीवर की सूजन को दूर करने का काम करती है। इसमें डेली अदरक का पानी पीने से जो लीवर के टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं और लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, लीवर बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने लगता है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अदरक डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सुधारता है। इसके लिए खाना खाने से पहले करीब 1/2 घंटा पहले अदरक का एक टुकड़ा लें और उसमें सेंधा नमक लगाकर उसे चूसें या अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर उसे खाएं तो इससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सुधार होता जाता है। अदरक का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने के लिए। इसमें 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चुटकी हींग मिलाएं और 1/4 स्पून काला नमक मिलाएं और फिर उसे खाएं तो इससे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। अदरक का सेवन करने से काफ़ी तरह के कैंसर्स जो हैं वो कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, कैंसर की प्रॉब्लम दूर होती है। अदरक शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अदरक खून को पतला करता है जिससे कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही सही ढंग से होने लगता है। तो ये थे अदरक से होने वाले कुछ बेनिफिट्स। आप चाहे तो अदरक का रस यूज़ करें या अदरक का पानी यूज़ करें, उन दोनों ही तरह से हम अदरक से होने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं।
आपको ये बेनिफिट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटे का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।